बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आबादगार दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी ज़मीन अब्बास फार्म शहजाद पर पे मौजूद हूँ। तो ये जो काटन हमने लगाई है, ये काटन CKC3 है। तो ये पहली मर्तबा हमने यहाँ इसका तजर्बा किया है, ट्रायल किया है। किसी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि ये वैरायटी आप लगाएं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो कपास से प्यार करते हैं। तो कपास की नई नई अजनास जो भी आती हैं, खास करके ये चीज़ें जो बनती हैं वो पंजाब में बनती हैं, या सिंध में तो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कोई नई चीज़ बनाए। कुछ तो इदारे हैं हमारे न्याय वाले, वो बनाते हैं, लेकिन CKC की वैरायटी उन्होंने नहीं निकाली। ये जो कैंप वालों ने निकाली, लाहौर वालों ने, वही हमने अपने फार्म पर लगाई है। तो इसको आज ये 19 फरवरी की काश्त है। आज मेरे ख्याल में इसको 2 महीने से 2-3 दिन ज़्यादा हो गए हैं। तो 2-3 दिन से मैं इसको प्लाट को देख रहा हूँ कि फिक्स जो उसके 58 दिन हुए थे तो उस पर पहला फूल आना शुरू हुआ था। जिस तरह ये फूल आप आज देख रहे हैं, ये फूल आ गया है। और जो पीछे मैं दिखाता हूँ, ये लाल फूल हो गए हैं, ये कल वाले फूल हैं। तो इस तरह इसमें ये पौधा बिल्कुल झाड़ीदार भी है। इसमें इतनी तो ये पिंक अपने मुखड़ियाँ, जो हम सिंधी में तो मुखड़ी चौंधा हूँ, इसमें अंग्रेजी में पिन हेड स्क्वायर बोलते हैं, पता नहीं क्या। तो ये बहुत हैं, यानी ये झाड़ीदार बूटा है। और इसे ये इसका फासला भी हमने 2-2.5 फुट रखा है। दूसरी बात ये है कि जो भी ये नए नए बीज आ रहे हैं पंजाब से, तो हमारी जो शिकायत रहती है वो ये होती है कि इनका जर्मिनेशन नहीं होता। जर्मिनेशन 50% से भी बिल्कुल लो है। यानी इस पर हमने 2-3 मरतबा इसको लगाया है, एक मरतबा लगाया, फिर कम जर्मिनेशन हुई, इसके बाद दोबारा लगाया। यानी 2-3 मरतबा लगाने के बाद जाके हमने कुछ ना कुछ प्लांट पॉपुलेशन जो है उनकी आप देखेंगे पूरी की है। दूसरी बात ये है कि जो हमें इस पर इसके ऊपर ग्लाइसोफेट लगानी थी, तो वो मेरे ख्याल में, क्योंकि हमें किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, लेकिन हमने अपने अंदाजे के हिसाब से 40 दिन के बाद जाके लगाई, जब घास बड़ा हो चुका था। लेकिन इसको लगाने मेरा जो अंदाज़ा है, अब जो मैंने कैलकुलेशन की है कि इसके ऊपर ग्लाइसोफेट वो जो लगानी थी, ये लगानी थी कोई 30 दिन या 25 दिन के अंदर अंदर लगानी थी। लेकिन ये जो दवा लगाई है हमने ग्लाइसोफेट, तो क्योंकि ये ग्लाइसोफेट फ्री वैरायटी था, आप देखेंगे तो घास बिल्कुल उसको तो उसने तबाह कर दिया है। और अभी तक ये आप जब देखेंगे पौधा बिल्कुल हेल्दी है। इसमें हमने आधी बोरी DAP 60 दिन के अंदर अंदर आधी बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया दी है, और कुछ नहीं दिया है। उसके अलावा इस पर पहले जो पोजीशन थी उस पर थ्रिप्स था, तो हमने इस पर स्प्रे किए थे थ्रिप्स के। अभी बाकी कुछ भी नहीं है, जेसिड भी नज़र नहीं आ रहा है। इसने फ्रूटिंग बहुत उठाना शुरू किया है, 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने के बाद इंशाल्लाह ये अपना फूटी देगा। लेकिन वैरायटी अच्छी है, क्योंकि जो अब हमारे आबादगार दोस्त हैं वो कोशिश करे, आगे देखते हैं इसकी प्रोडक्शन क्या आती है। अगर प्रोडक्शन 30 मण से ऊपर आ जाती है तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड। क्योंकि यहाँ 2-3 साल से जो फुटी की पैदावार सिंध में वो 20 मण से भी लो आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है। इसमें एक तो बड़ा मसला हमारा ये हल हो गया कि ये इसमें घास ख़त्म हो गया है। दूसरा कहते हैं कि इसमें पेस्ट जो ये पिंक का वो रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस हुआ तो हमारे ख्याल में इसकी कोई अच्छी वैरायटी नहीं होगी। लेकिन हम कोशिश वही कर रहे हैं कि वैरायटी के अलावा ज़्यादा अहमियत जो सिंध में है या पूरे पाकिस्तान में, वो है जर्मिनेशन की। अगर जर्मिनेशन इशू होता है, जिस तरह पंजाब से जिन भी कंपनीज़ का या दूसरे दोस्तों का बीज वहाँ से आ रहा है, तो उनमें जर्मिनेशन अभी तक इतनी नहीं हुई। तो हम काम कर रहे हैं जर्मिनेशन के ऊपर, जो हम खुद जो ज़मींदारी बीज बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि उसमें जर्मिनेशन हो, फुल जर्मिनेशन हो, यानी 90 से प्लस होना चाहिए। यहाँ जो भी बीज आ रहा है हमारे दोस्तों की कंपनियों से पंजाब से, उनका इतना जर्मिनेशन नहीं है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए सब जो भी बीज बनाते हैं उन दोस्तों को गुजारिश करता हूँ, खुदा रहा बीज जो है वो फर्स्ट पिक और सेकंड पिक का बनाएं, जिसमें जर्मिनेशन होती है। उसके बाद बारिशें पड़ जाती हैं, उसका बीज बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आबादगार एलर्जिक हो जाते हैं। अभी भी आप देखें पूरे सिंध में जो भी मार्केटें हैं, वहाँ ज़्यादातर बीज जो ज़मींदारों के पास पड़ा है वो बिक रहा है। कंपनीज़ का बीज को बंदे हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, जो कहते हैं कि अच्छे थैले VVIP मेकअप करके भेजे मार्केट में, उसमें जर्मिनेशन नहीं हो वो बीज नहीं बिकता। इसलिए बीज इदारे तो वैरायटियां तो अच्छी बनाते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमारी कंपनीज़ का फ़र्ज़ है कि वो उसको आगे मल्टीप्लाई करके जो भेजें तो उसमें बीज की जर्मिनेशन हो चाहिए। बड़ी मेहरबानी आबादगार दोस्तों।